कुछ ब्रांड्स ने 1 रुपए का सेल रखा था और वो सेल में मैंने ये मोबाइल खरीदा, ये क्रोमकास्ट खरीदा, ये टीवी खरीदा, वो स्पीकर्स खरीदे। आपको लग रहा है मजाक कर रहा हूँ? शुरुआत किसने किया? योर इंडियन कंज्यूमर। मैं प्रसाद बेदपाठक, आप की तरह एक आम हिंदुस्तानी ग्राहक, आज इस वीडियो के माध्यम से एक शपथ लेना चाहता हूं कि भविष्य में 1 रुपए का सेल इस टॉपिक पे मैं एक भी वीडियो नहीं बनाऊंगा। मुझे इस तरह के वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। मैं मेरे ब्लॉग्स में हमेशा ये चीज कहते रहता हूँ और आज भी यही कहूंगा, एवरीथिंग हैज अ प्राइस। कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। अगर MI, OnePlus जैसी कंपनीज, चाइनीज ब्रांड्स हमें चाहते हैं कि 1 रुपए में वो चीजें बेचें, तो मैं उनको साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि आई एम नॉट अलोन एंड देर आर मेनी इंडियन कंज्यूमर्स लाइक मी जो आपके इन सेल्स में भाव नहीं देते। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे कंटिन्यूसली पूछ रहे हैं कि 1 रुपए के सेल में Xiaomi का जो हुआ उसमें मैंने क्या खरीदा और क्या जीता। जीता कैसे कह सकते हैं, क्योंकि आप खरीद रहे हैं, आप 1 रुपए वो बोल रहे हैं और 1 रुपए के लिए पागलों की तरह उस साइट पर ट्रैफिक दे रहे हैं और आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, तो टेक्निकली आपने जीता नहीं, आपने खरीदा। पागल की तरह रेस लगा के खरीदा, कुछ भी नहीं खरीदा, क्योंकि मैं ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देता। और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, पर उसी समय कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे मेरे हिंदुस्तानी भाई बहने हैं जो ध्यान दे रहे हैं और जिनका ध्यान जा रहा है ऐसे सेल्स पे, और मुझे बुरा लग रहा है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, बिकॉज देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फ्री लंच। और आपको लगता है कि इंडियन कंज्यूमर इतना बेवकूफ है कि 1 रुपए की स्ट्रैटेजी पे गिर जाएगा और पागलों की तरह आपको ट्रैफिक देगा? तो हाँ, वो आपको ट्रैफिक दे रहा है। MI, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अगर हिंदी जानते हैं तो समझिए, इंडियन कंज्यूमर्स आर नॉट फूल सिटिंग हियर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको गिव अवे रखना है तो उस तरह से प्रमोट कीजिए कि वी आर कीपिंग अ गिव अवे। इवन आई हैव केप्ट गिव अवेज, मैंने नेक्सस 6 भी दिया, मैंने रेडमी नोट 3 दिया, मैंने काफी सारे गिव अवेज रखे हैं। आप गिव अवे रखिए, मैं सराहूंगा, मैं खुद से सामने से प्रमोट करूंगा, पर ये 1 रुपए वाला सेल क्या होता है? उनको कंज्यूमर्स मिल रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं आप उनके साइट पे जाके, वो आपको मेल फिलाते रहेंगे। दिस इन अ वे इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी विच इज हाईली टॉक्सिक एंड आई वॉन्ट यू गाइस टू अंडरस्टैंड दिस। 1 रुपए के सेल को बिल्कुल भाव नहीं देना है। फ्रीडम 251 ने जब आपको 251 रुपीज में फोन देने की प्रोमिस किए, तभी आपको वो चीज बहुत खराब लगी और आपको लगा, आपको क्लियरली समझ गया कि ये स्कैम है और वो फोन नहीं दे पाएंगे। पर जब MI जाके 1 रुपए के सेल रखता है तभी आप बौखला जाते हो। ऐसा क्यों? इंडियन कंज्यूमर्स, हमें जागना है, हमें ऐसे सेल्स पे नहीं गिरना है, हमें इन्हें भाव नहीं देना है। आप समझिए इस बात को। मैं जानता हूं कि आप में से ऐसे बहुत सारे अभी लोग होंगे जो ये वीडियो डिसलाइक करेंगे और बोलेंगे कि प्रॉब्लम क्या है इस प्रसाद को, 1 रुपए में दे तो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मिला है। मुझे इस बात से बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है कि वो बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं, मिल रहा है लोगों को। मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है कि वो 1 रुपए की सहायता लेके ये चीज दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे भिखारी नहीं बैठे, ये चीज समझिए आप। अगर वो गिव अवे करके फ्री में देंगे तो मैं हक से लूंगा, पर अगर वो 1 रुपए का गाजर दिखा के सोचेंगे कि मैं गधे की तरह उस कंपनी के पीछे जाऊं, तो बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल वो चीज सपोर्ट नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि हर एक हिंदुस्तानी ग्राहक, हर एक इंडियन कंज्यूमर का एक दर्जा है और मैं उसे गिरने नहीं दूंगा, एटलीस्ट मैं नहीं गिरने दूंगा। और मैं जानता हूं कि मैं अकेला नहीं हूं इसमें, तो अगर आप मेरे साथ हैं, आप मेरे जैसी सोच रखते हैं और आप 1 रुपए वाले सेल्स को एक तमाचा लगाना चाहते हैं, तो लाइक बटन दबाइए। हर एक लाइक का मतलब होगा एक तमाचा उन सारे ब्रांड्स पे जो 1 रुपए का गाजर दिखा के ये समझते हैं कि इंडियन कंज्यूमर्स उसके पीछे दुम हिलाते आएंगे। बिल्कुल लाइक करिए इस वीडियो को और मेरी आवाज उन लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो हमें अच्छे से ट्रीट करें। इंडियन कंज्यूमर डिजर्व्स बेटर। थैंक यू।